सागर जिले के कलेक्टर बुधवार को समनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन कॉलोनी का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं, ऐसे लोगों को प्लॉट के साथ पट्टे भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विस्थापितों के लिए बनाई जा रही कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, स्कूल के साथ साथ सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य के साथ रहली जनपद CEO राजेश पटेरिया के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, समनापुर में एक कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि नौराधेय अभ्यारण्य से जो लोग विस्थापित हुए हैं और जिनको प्रधानमंत्री आवास वहां पर आवंटित हुए थे, जिनको निर्माण किया जाना था, तो एक कॉलोनी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें लगभग 340 प्लॉट हैं और जो विस्थापित होकर आ रहे हैं उन सभी को पट्टा दिया जा रहा है। ये सभी के ये आवास की व्यवस्था की जा रही है, जो एक अच्छी कॉलोनी के स्वरूप में की जा रही है, जिसमें पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ में स्ट्रीट लाइट और पार्क इत्यादि की सुविधा भी होगी। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि स्कूल और जो बेसिक सुविधाएं होती है, स्कूल, आंगनबाड़ी, सब तो दिए ही जाएंगे। साथ में एक महिलाओं के लिए, स्वसहायता समूह के लिए एक प्रशिक्षण भवन की व्यवस्था भी यहाँ पे की जाएगी, जिससे कि रोजगार के लिए भी उनके लिए व्यवस्थाएं बनी रहे। सर, जो यहाँ पे काम होना है CC का और ड्रेन का। रहली से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।